ये वाला जो मौसम है ये काफी बोरिंग होता है, क्योंकि बारिश का टाइम बाइक राइड नहीं कर सकता है। और आपको पता ही है बाइक राइड करना कितना पसंद है मुझे। हेलो गाइस, नमस्ते नमस्कार सबको, गुरु का प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 5XL गुरु कैन। तो गाइस, आज का जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि हेलमेट पे गोप्रो किस तरह माउंट किया जाता है फॉर मोटो व्लॉगिंग, साथ ही जो एक्सेसरीज आया है उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का जो ये वीडियो है वो छोटा सा होगा, हल्का फुल्का सा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। ये घर का सामने में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत सारा है। इस तरफ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस तरफ भी चल रहा है, इस तरफ भी चल रहा है। फ्रंट में रोड है जिसका वजह से बहुत ही नॉइजी है, वीडियो नहीं बना सकता है। एज यू नो गाइस, मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा जो है बहुत ही न्यू एक्शन कैमरा GoPro Hero 7 White। ये कैमरा का मेन पर्पस था ये जो हेलमेट है इसके आगे इसको ऐसे फिक्स करके मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन सिर्फ इसको आगे लगा के आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर मोटो व्लॉगिंग करना है तो इसके साथ आपको बहुत कुछ लेना है। तो जिसका इंतजार था, यस गाइस, वो आ गया, कल ही डिलीवर हुआ। ये GoPro Hero का माइक एडाप्टर फॉर Hero 5, 6 एंड 7। देखने के लिए छोटा मोटा है लेकिन इसका कॉस्ट 5000 के आसपास पड़ा। और दूसरा है ये बोया का क्लिप माइक, इसका जो वायर है वो काफी लंबा हो गया। एक्चुअल में जो पहले हम माइक यूज करता था वो काफी छोटा है, शॉर्ट है। और दूसरा ये केस, ये वाला जो है वो है नॉर्मल वाला और ये है वाटरप्रूफ वाला। ओके, तो गाइस अगर आपको इसमें माइक लगाना हो, ये जो साइड का कवर है इसको निकालना पड़ता है, सिंपल है, इसको खींचना है बस, हल्का सा बस, ये इजी है। अरे भाई इतना फोकस का इशू तो तीसरा। और दूसरा है ये वाला जो नॉर्मल वाला कवर है इसको लगा के भी आप ये जो माइक का एडाप्टर है उसको आप लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको फिर कहीं में फिक्स करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिया है ये वाला केस, ये वाला, ये नीचे वाला जो सेक्शन देख रहा है इसमें आप ये जो एडाप्टर का ये नीचे का जो बॉक्स वाला पोर्शन है इसको आप अंदर डाल सकते हैं इस तरह से, तो इसको वो चिपकाने का प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और ये जो वाटरप्रूफ वाला केस है इसको आप लगा के माइक एडाप्टर नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें वो होल नहीं है माइक का एडाप्टर को डालने के लिए। यस, आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसको आपको यहाँ पे एक होल करना पड़ेगा। लेट्स सी, कभी फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो वो भी कर लिया जाएगा। और दूसरा ये जो माइक देख रहे हैं आप, इसका नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, ये स्मार्टफोन के लिए है और ये कैमरा के लिए, बीच में ऑफ का बटन। आज ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो आई गेस अभी कंप्लीट हो गया ये पूरा सेट मोटो व्लॉगिंग के लिए। तो चलिए सबको अभी एक साथ मिला के फिट करके देखते हैं। तो सबसे पहले GoPro का जो ये केस है इसको खोलते हैं लाइक दिस, इसको यहां से पुश करके ये कवर को खोलेगा, तो ये इसको ऐसे अंदर डालते हैं, अंदर डाल के वन इसमें ऐड करता है माइक एडाप्टर। ये देख रहा है ये नीचे वाला पोर्शन जो है उसमें आप माइक का एडाप्टर डाल सकते हैं, तो कुछ इस तरह से फिट हो जाता है। को फिर यहाँ पर डालेगा और फिर ये वाला जगह में माइक को ऐड करता है, तो ये जो है यहाँ जाएगा बस। अभी क्या है कि इसको हेलमेट में फिट करना है। और ये जो हेलमेट देख रहे हैं इसमें ये माउंट पहले से फिक्स किया हुआ है, इसमें स्टिकी पैड जो मिलता है वो लगाया हुआ है और परमानेंटली इसको फिक्स कर दिया लाइक दिस, कुछ ऐसा होगा। तो ये हो गया फिक्स, कुछ ऐसा दिखेगा। एक प्रॉब्लम है कि ये जो माइक है इसका वायर काफ़ी लंबा है तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया फिटिंग, ये देख रहे हैं
ये जितना भी लंबा वायर था सबको यही भी बांध के रख दिया, तो वायर यहाँ से कनेक्ट होके ये अंदर और माइक को यहाँ फिट किया अंदर। बहुत दिन का बाद फाइनली आज धूप निकला है, थैंक यू सूर्य देवता। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आप सबको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड आई गेस किसी ना किसी को तो हेल्प मिला ही होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाए, और कुछ अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन भी दबाइए, कमेंट कीजिए। एंड यस, आप अगर नए हैं मेरे चैनल में तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल जिसका नाम है 5XL गुरु कैन। तो जिसका इंटरेस्ट, आई ऑलवेज से गो प्रो मार रहे हैं हम ये मिस्टर को।